प्रकृति के सभी जानवरों में सबसे बड़ा जानवर, हाथी दांत के व्यापार की वजह से और प्रगति की आड़ में हो रहे लालच की वजह से इन जानवरों के साथ साथ ये जंगल भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। अपने आसपास के इन जंगलों को और उनमें जी रहे जीवों को अपनी जान से ज्यादा मानने वाले इस इंसान का नाम है सुमित्रा नंदन। बचपन से ही इन जानवरों के साथ पला बड़ा, इन जानवरों के लिए भी ये उनके परिवार का हिस्सा है। देश के राष्ट्रपति से इसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब जब से मिला है तब से लोग इसे बंदेव कहते हैं। इस तरह चल रही इनकी खूबसूरत जिंदगी में एक दिन क्या देख रहा है बे? बचपन में तुम भी तो ऐसे ही थे। तेरा बाप बूढ़ा हो गया है। गुस्सा? ये है आरव। इसके पिता जंगल की पिछड़ी हुई जातियों के लिए बहुत काम करते थे। उनके काम से काफी बेईमान लोगों को तकलीफ हुई और उन लोगों ने उन्हें मार डाला। आरव और उसकी बहन अरवी आज भी इन जंगलों में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति की रणनीति और नेताओं की अनैतिकता से लगातार लड़ रहे इन दोनों पर सरकार ने उग्रवादी का लेबल लगा दिया। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मेरा है क्या? डीआरएल टाउनशिप बनेगा यहां, उसी का काम हो रहा है।
सुन, ये इलाका नो डेवलपमेंट जोन है, रिजर्व फॉरेस्ट, या इंसानों का आना मना है। चलो निकलो, बोला ना, निकलो निकलो। इंसान नहीं आ सकते तो तुम कौन हो? भगवान बंदे। की गुन 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 गुन, तितली की रुन झुन झुन झुन, भवरों की गुन 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 गुन, तितली की रुन झुन झुन झुन, हवाओं की सन 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 कहे शुक्रिया। नमस्ते महादेव जी, शुक्रिया 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 शुक्रिया। किरणों की किलकारियां, पेड़ों की अंगड़ाइयां, पत्तियां कहे शुक्रिया, ओ कलियां कहे शुक्रिया, नदियां सर 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 सर, झरनों की हड़बड़ हड़बड़, पथरीले ऊंचे पर्वत, मौसम के सारे करतब, पंछियों की अनबन अनबन कहे शुक्रिया। रतिया की गहराइयां, झिंगुर की गुस्ताखियां, दिल से कहे शुक्रिया, ओ साथी रे तेरा शुक्रिया।
फिर से। ए, ये क्यों चिल्ला रहा है? उस दिन भी ऐसे ही चिल्ला रहा था, फिर जाकर उस जंगली को लेकर आया था। सर ये काम नहीं करने देगा। काम नहीं करने देगा, यहीं ठहरो। सर अरे अरे, अरे सर ये
कैश कर दिया यहाँ पे। बेवकूफ गई के, मैंने कहा था ना, यहाँ चील भी टोकरे सकते, ये हाथियों का घर है और यहाँ जाली लगा रखी है, हाँ? इतनी भी समझ नहीं है? हेलो, मुझसे बात करो, मैं डीआरएल का लॉयर हूँ। तुम जो भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है? भाई, ये जगह डीआरएल ने खरीदी है, इसीलिए जाली लगाई है, इसमें वो हाथी घुस जाए तो हमें दूंगा तुम्हें। तुम उनकी जगह में आके रोप जमा रहे हो और उनको रोक रहे हो, हा? ये पिछले 100 सालों से उनका रास्ता है, तुम्हारा नहीं। सर, दिस प्लेस इज लीगली रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ डीआरएल, सी द डॉक्यूमेंट। असली साथ बारह चेक करो। क्यों चेक करें? तुम्हारे दादा की जागीर है। हाँ, मेरी दादा की जागीर है। 1956 में सवाहात पहाड़ से लेकर बंजारा पर्वत तक पूरे 16 किलोमीटर और वहां से लेकर असनी नदी के किनारे तक 12 किलोमीटर और फिर असनी नदी से आगे अक्षयताल तक पूरे 20 किलोमीटर और उससे भी आगे लगभग 90 किलोमीटर तक की जमीन मेरे दादाजी ने सरकार को दी थी संभालने के लिए, ऐसे नकली पेपर बनवाकर हड़पने के लिए नहीं। देखो, 10 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद अगर यहाँ कोई दिखा वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा। चलो। अरे आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज, रिस्क खत्म हो गई, चलिए। यार, मैं रमाकांत शर्मा, इतना बड़ा लॉयर हूँ, वो कह रहा है उसके पुरखों की जमीन है। मंत्री जी को फोन लगाओ। So they grabbed your land and illegally registered your property. Sir, Sishu pe detailed interview मिल सकता है। हाथियों के घर में इंसानों की घुसपैठ। You have got to put it down like this. जाओ। वो हमसे ज्यादा समझदार है। They're so emotional, sentimental, very caring. You know one thing, at times they smile too. आपने देखा है? बचपन में बाबा के साथ देखा है। इस हरे भरे जंगल का कारण ये हाथी भी है। चलते हुए रास्ते में गोबर फैलाते हैं, उसी गोबर से ये पेड़ उगते हैं। अगर ये पेड़ काट दिया तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो नदियां सूख जाएंगी, नदियां सूख गई तो भूजल नहीं रहेगा और उसके बाद भूकंप, अकाल, महामारी। एक बूंद पानी के लिए भी खून बहेगा। ये देखो, छोटा सा पौधा कितनी मिट्टी बांध कर रखता है। सोचो, इतने पेड़ अपने जड़ों से कितनी मिट्टी बांध कर रखते होंगे। गांव में बिजली का खंभा लगाने के लिए 100 पेड़ काटने के लिए कहा था। अगर पेड़ काट के ही हमें बिजली मिलेगी तो नहीं चाहिए हमें वो बिजली, और मना कर दिया। बचपन के साथी समझने के बजाय पैसों में तोलते हैं इन्हें पैसों में तोलते हैं, बेवकूफ कहेंगे। बेटे, अकेले मैंने 1,00,000 पेड़ बोए हैं। मैंने जो बोए वो बीज नहीं, मेरा खून है। इन पेड़ों को जिसने पकड़ के रखा है वो सिर्फ मिट्टी और जड़े नहीं है, मेरी मांसपेशी और नसें हैं। इनको काटने से पहले उन्हें मुझे काटना होगा। मैं जगन्नाथ सेवक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं जगन्नाथ सेवक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि संविधान द्वारा दिए गए इस पर्यावरण मंत्री के पद को ईमानदारी से निभाऊंगा। देश की प्राकृतिक संपदा और सारे जंगलों की असीम निष्ठा के साथ हिफाजत करूंगा। What is the total area? कम से कम 50 हेक्टेयर तो होगा ही। सर, इस प्रोजेक्ट में अदर फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज क्या हैं? टावर्स हैं, एम्फीथिएटर है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, यू कैन सी इट ऑल हियर। सर, ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा? हां, शुड बी कंप्लीट बाय दिस ईयर। मीडिया पीपल, यू कैन ऑल हैव योर रिफ्रेशमेंट इन द सेकंड फ्लोर, दिस वे प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। हाथियों के घर में इंसानों की घुसपैठ, दैट वाज अ गुड हेडलाइन। थैंक यू।
सुना है जंगल में काफी आती जाती रहती हो तुम। सावधान रहना, कहीं ऐसा हेडलाइन ना हो जाए कि हाथियों के पैरों तले एक जर्नलिस्ट की मौत। That would be a pity. अपना ख्याल रखना। हेलो सर। कॉन्ट्रैक्टर, सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल अच्छा सर। कल से हम टाउनशिप के चारों तरफ 7 किलोमीटर की दीवार खड़ी करने जा रहे हैं, जिससे जंगली हाथी अंदर नहीं आ पाएंगे। गुड। 7 किलोमीटर नहीं, 70 किलोमीटर की दीवार खड़ी करो। सपना है ये मेरा, खुद खड़ा किया मैंने। हाँ सर। डांस नहीं कर रहे हो? नहीं सर, सुबह साइट पे जाना है। ओह। और लॉयर साहब, आप? सब आता नहीं है सर। स्वामी जी किस तरह नाच रहे हैं देख रहे हो? सर आजकल ऐसे ही लोग नाचते और नचाते हैं सर। फंडर्स। जी सर। जमा दो। राइट सर। हमको नहीं पूछा डांस के लिए। जो हम कर रहे हैं हमने क्या? सर इतनी छोटी सी लकड़ी लगाने पर उस जंगली ने कान ही उखाड़ लिया था। 7 किलोमीटर की दीवार खड़ी करने पर पता नहीं क्या क्या उखाड़ेगा। अरे वो तो संभाल लेंगे, लेकिन दीवार बनने तक जंगली हाथी को क्या करेंगे? लोहे को लोहे से ही काटना होगा। सबसे पहले कुनकी हाथी का इंतजाम करना होगा। कुनकी हाथी, वो क्या होता है? इन जंगली हाथियों को खदेड़ने का काम एक कुनकी हाथी कर सकता है बस। पिज्जा बहुत पसंद है मामे। हाँ, छोटू के लिए वेज सुप्रीम मैरिनेटेड राना फुल्ली लोडेड लार्ज। क्या छोटू? एक्स्ट्रा लार्ज। लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज। और मेरे लिए? इटालियन नेपोलियन चिकन पिज्जा रेगुलर। मीडियम मीडियम। और भांजे हमारे लिए? तो अंदर जाओ, देखो अगर जहर भर मिलता है तो खाओ और निकल लो। अरे जहर का क्या जरूरत है, यही सब खाते रहेंगे ना तो एक दिन ऐसे ही ऊपर निकल जाएंगे। हाँ, कौन? कुनकी शंकर बोल रहे हो आप? हाँ, कुनकी शंकर स्पीकिंग। ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में हम एक टाउनशिप बना रहे हैं। हाँ हाँ। 3 महीने का काम है, तुम कर पाओगे? 3 महीने का काम? बहुत खर्चा होगा। आई एम कॉस्टली। वो देख लेंगे, अब आ जाओ। हाँ अच्छा सुनो, वो लॉरी भेज देना चौराहे पे। अभी भेज दूंगा, 1 घंटे में लॉरी पहुंच जाएगी, आप निकलिए। सुनो, इनका ऑर्डर रेडी करो। मामा। अरे भांजे, छोटू आई जा। शाबाश शाबाश। कैसा लगा छोटे? तेरी
कान से खून आ गया है, ऐसे बोल रहा है साहब जैसे रिकॉर्डिंग से वापस आया है, और ई रहमान साहब बोल रहा है बहुत अच्छे। बाबू मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जब एक साथ गाएंगे तो कैसा आवाज आएगा, वैसा मीठा आवाज है तुम्हारा। कहाँ जा रहा है, गुस्सा आ रहा है तुमको, मदद करना चाहता है। ये मेरा जंगल है, यहां कोई नहीं आ सकता, दबा हो जाओ। आते जाते रहिएगा मैडम। भांजे, ए भांजे, अरे कंजान लड़की ने तुमको मारा, तोड़ा, मरोड़ा, झिंझोड़ा, और तुम जो है खंबा देखकर टांग उठाकर कुत्ता की तरह खड़ा। ए बाबू, अरे देखो हम उस लड़की का ना, अरे उस लड़की का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। ओए, हमको रोकना नहीं भांजे। क्या बोले तुम छोटू को, सुने हम। Is it? मामा, अगला 6 महीना चैन की नींद सुलाएंगे आईसीयू में। बक बक बंद। हेलो, हाँ रुको मैं वापस फोन करता हूँ। ओ बाबू, वो जंगली हाथियों के आने का टाइम हो रहा है, तेरा गाना वाना बंद करो और अलर्ट हो जा, समझा? हाँ साहब, हमारा भांजा जिस मूड में है, अगर डायनासोर भी आ जाए तो उसको थप्पड़ मारकर उसका सूप बनाकर पी लेगा। ये असली कुटकी हाथी वाले हैं। हाँ सर, इन्होंने बहुत हाथियों को भगाया है। माधोपुर में 14 फीमेल हाथी, चौनापुर में 2 मेल हाथी, भरतपुर में भगोड़ी हथनी। भगोड़ी? दिव्या नाम है। अरे कहानी सुनाओ इन्हें दिव्या की। सुनेंगे क्या, इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। अरे तुम लोग सुनो, अगर टाइम पे दीवार नहीं बनी ना तो मेरी बैंड बच जाएगी। ये तुम लोगों का मजाक छोड़ो और काम पे ध्यान दो। रुको रुको रुको। क्यों सर? नया DFO आया है, काम रोकने को कहा है। चलो जल्दी सब फ्रंट ऑफिस के पास पहुंचो। चलो रुक 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 अशोक। हाँ सर। गाड़ी बंद कर, फ्रंट ऑफिस पहुंच जल्दी। ठीक है। सर गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैंड है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? सर ये जगह हमने आदिवासी परिवारों से लीज पे ली है 99 इयर्स के लिए। सर ये कोई रिजर्व फॉरेस्ट थोड़ी है, ये तो आपकी जमीन है। सर आप तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे हम कोई फ्रॉड कर रहे हूं। ए, सर को पेरेंट डॉक्यूमेंट दिखाओ ना। ये देखिए। ना 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 ना, पेरेंट्स को बीच में लाने की क्या जरूरत है, हम जानते हैं आपके माँ बाप कौन है। आप जानते हैं ना कि हमारे माँ बाप कौन है जी। फिर भी आप चेकिंग कर रहे हैं, हैं? बच्चों को खेलने दीजिए ना। Everything is perfect. आइए खेल शुरू करते हैं। Thank you. अरे चलो चलो काम शुरू करो, चलो। खेल ले बेटा, तेरा बाप अभी आने ही वाला है। Hey, क्यों रे? वहां से भगा दिया तो यहाँ पहुंच गया। जवान बेटों की तरह है ये पे। काटने का कैसे मन होता है तुम लोगों का? छोड़ो मुझे, आपको ला कर दे सकता हूँ, फिर NGT में जाकर जमा करा दीजिए। 2 दिन में स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझा दिया, सब ठीक है। आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे, इनको बोलो निकल जाए यहाँ से। रुक जाओ। अगर 1 हफ्ते में स्टे ऑर्डर नहीं मिला तो ये मेरी भी नहीं सुनेंगे।
एवरी टाइम फाइटिंग क्रेजी ह्यूमंस रमाकांत ये एनजीटी क्या है यार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जंगल बचाओ चिल्लाने वालों का ग्रुप कुछ ले दे के निपटा सकते हैं इतना आसान नहीं है तो फिर अब उनको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा हाँ मिल सकता है अरे क्या बात कर रहे हो यार क्यों उसके पुरखों की जमीन है उसका सारा लेखा जोखा ए रजिस्टर में है और अगर ये फाइल एनजीटी तक पहुंच गई ना तो समझो हम सब के सब जाएंगे सवाल करना बंद करोगे यही खत्म कर दे तो अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा पागल हो गए हो अगर हम उसे यहां मारेंगे तो मंत्री के साथ साथ हम सब मारे जाएंगे मछली बाजार बना के रखा है तो करें क्या इस कहानी को दिल्ली में ही खत्म करना पड़ेगा छोटू तेरी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है ना तो ढूंढ के बताने यार किधर हो और हिफाजत के लिए दान करता हूं अगर इसका गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ तो मेरे आने वाले वारिस का हक जमीन पर दोबारा बन जाएगा सूचना देने वाले को 1,00,000 का इनाम अबे जानता है कौन है ये भाभी आरब की बहन है देखो हर केस में A2 ये लड़की है A1 सर अरे नहीं नहीं लड़की A1 सर A2 ये A1 आरोपी 1 वो आरब ऐसा साला तो सिर्फ नसीब वाले को मिलेगा ना साहब ले मामा हम काम वाले खानदान से नाम वाले खानदान में जा रहे मामा नाम वाले तुम हम जाओ ना मामा जाके बात करो ना उसके भाई से मैं रिश्ते के मामा जाओ ना मामा जाओ ना मामा भांजे ओ भांजे हम चले तो जाएंगे लेकिन हमरा आने का ना उड़ाऊ मामे ये क्या था मामे तुम्हारा पहला लव लेटर शर्मा रहा है जाओ चिट्ठी ले लो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं संभाल के भैया
कौन हो तुम? एड्रेस कहाँ है? सर ये कौन है मालूम है? कौन है? सर फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है सर। चले। यही वो आदमी है जिसने 1,00,000 पेड़ लगाए हैं सर। अब्दुल कलाम से अवार्ड मिला है सर। चले। आ, कम, आई ड्रॉप यू। सर प्लीज एक सेल्फी ले सकते हैं सर? थप्पड़ का है। सर अंदर बैठिए सर। अंकल योर स्टिक। थैंक यू। दर्द होगा पत्ती को। अरे जल्दी चलो बिना बांध के आए। साउंड तो सेक्सी है। इसका रिएक्शन काहे बदल रहा है? अरे मैडम प्यार से पपीता खिला रही है। धीमे धीमे ऐ ख्याल चल यादों की गली में तू हाथी को सहला रही है। उसे सिर्फ हाथी पसंद है। धीमे धीमे है ख्याल तुमको भी वो पसंद करेगी। यादों की गली में तू यादों में वो रहती है। लाओ से हकीकतों के घर। Excuse me. बोलो। सर वो बंदे नए डीएफओ के साथ स्टीवर्डर लेकर आया है अपने साइट पर। फोन दो से। ए, मिनिस्टर लाइन पे है। बोल। क्या बात है बंदे? मुझे इस देश को डेवलप करने नहीं दोगे क्या तुम? 70 साल से बहुत कर लिया विकास, अब देश को हम संभालते हैं। मिनिस्टर साहब आप आराम कीजिए। लॉयड को फोन दो। पढ़े लिखे होकर भी ऐसे गवार लोग के साथ काम करते हो? ए, वो गवार नहीं है, उससे भी क्या गुजरा कचरा है। उसी को बताओ, लाइन पर है। सर, सर, क्या कहा था उन्होंने? नहीं, नहीं सर, उसको बोल रहा था सर, नहीं आपको। मैं कचरा नहीं, उससे भी बदतर हूँ, बता दो उसे। जी, जी। इमीडिएटली ODFO के डिटेल्स भेज देना, फॉर। जी हैं सर। So I take it that you do not have any questions. Sir, will it be completed by December? Without a doubt. Hey, भांजे, चलो भाई यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। क्या बोले जा रहे हो मामे? अरे और का भाई, अरे कोर्ट ने जो है इतना बड़ा नोटिस चिपकाया है। हाँ, यहाँ पे कोई कटाई छटाई नहीं होगी। देखो हाँ, इन लोग के लिए काम नहीं है तो हम लोग के लिए क्या काम होगा भाई? हम समझ रहे हैं भांजे तुम्हारा फीलिंग। देखो तुम्हारे लिए ना कोई तो लड़की कहीं ना कहीं बनी होगी। बकवास बंद करो मामे। अरे हम तो अपना मुंह बंद कर लेंगे पर वो गेट बंद होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा तुमको। क्या है? इट्स अ कोर्ट ऑर्डर। मतलब स्टे ऑर्डर। चिपका दिया तो काम नहीं कर सकते। हाँ जी, फाड़ दिया तो कर सकते हैं। ओए, पागल हो गया क्या तू? कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये, समझता नहीं है? केस तो उठा लेगा मुझ पर, अंदर करवाएगा मेरे को। केस? अरे सुपर, बढ़िया। केस तो आराम से 10 साल चलता है ना, तब तक तो ये सब काम आराम से हो जाएगा। आइडिया दे रहा है क्रेजी फेलो। करेक्ट, करेक्ट। चलो चलो चलो, चलो चले, काम करो काम करो। चलो सामान उठाओ, ट्रकों में डालो अपने।
काम कर। बगैर कोई काम नहीं करेगा, समझे ना? जाहिल गवार की बातें सुनते रहते हो तुम लोग। उठाइए, चलो काम करो अपना, चलो फोन लो अपना। एक मिनट सर, बैठिए। क्या हुआ बेटा? खा खा ना, खा खा ले, खा ना। सर बीमार हो गए। बंदेव जी आए हैं। हाँ सर। वो उधर आया तो नहीं? हाँ सर आ गया है वो। टॉर्चर कर दिया इसने, एक बार ये दीवार बन गई ना तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अरे सर 3 महीने में आपकी दीवार खड़ी हो जाएगी ना। अरे हाँ बन जाएगी। तुम एक काम करो, तुम उसको कैसे भी ना कोर्ट में घसीट के ले आओ, बाकी कानूनी तौर पे तो मैं उससे देखूंगा। बुलाओ सर। ठीक है सर। अरे हुआ क्या, बात क्या है? वंदेव जी आइए। सर थोड़ा सा खा। और जू 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 सर, बात नहीं सुनता मेरी? सर मान जा, मार खाएगा तू। सर स्टे ऑर्डर के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं, आप कुछ करेंगे? ओ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट जाओ, केस करोगे, 25-30 साल तो केस ही चलेगा। उतना दूर जाना नहीं है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। चलिए साइड पे। ऐसे में नहीं आऊंगा, पहले कंप्लेंट लिखवाओ बाद में देखेंगे। चल आते हो कि नहीं? शुक्ला आए सर। ये कुत्ता बहुत भौंक रहा है, इसे अपने वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाओ। ठीक है सर। शुक्ला जी, वही पास में हड्डियों का डॉक्टर है शिव कुमार, उसे दीवार के पास ले आना, 4-5 लोगों की हड्डियां टूटने वाली है। शुक्ला क्या हुआ सर? ए जरा उन सबको जाने को बोल। आप लोग काम कीजिए अपना। सर सर क्या हुआ सर? अरे जरा बताता हूँ। सबके हाथ मैले हो चुके हैं बंदे, सारा सिस्टम करप्ट हो चुका। तुम जंगल किसान हरियाली की बात करते, उन्हें सिर्फ नोटों की हरियाली पता है। मैं पुराने डीओपो की तरह बेवकूफ नहीं हूं बंदेव। बंदेव 1,00,000 पेड़ तुमने जो लगवाए ना, उनको भी मैं ही कटवाऊंगा। बंदेव बंदेव वहां पर एक अच्छी सी टाउनशिप बनवाऊंगा, उस टाउनशिप के अंदर बार, थिएटर, पब, डांस बार, प्रोस्टिट्यूट एरिया, गोल्फ कोर्स सेंटर, सब कुछ होगा। और उसके लिए मुझे तुम्हारा जंगल नष्ट करना ही पड़ेगा। फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हो? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नहीं
काटेगा, पेड़ काटेगा, पशु के लिए पेड़ काटेगा। अपने मिनिस्टर का बोल, एक बार हाथ आ गया दीवार खड़ी करके दिखा। शर्मा प्रोसीड। मैम, वंदेव सरकारी ऑफिस में घुसे और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से मारपीट की। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन पर दफा 307 लगाई जाए। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैम, इट्स अ क्लियर केस ऑफ 76/106 पेशेंट। व्हाट इज 76/106? मैम, इट्स अ डिजीज कोड जो इंसान को मनुष्य जाति से डिटैच कर देता है, जिसमें इंसान पक्षियों और जानवरों से बातें करने लगता है और वही उसकी आदत बन जाती है और एक तरह बिहेव करने लगता है। साइलेंस। लेकिन जब कभी किसी इंसान को देखता है तो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ये मारेगा और एकदम वायलेंट हो जाता है और जंगली जानवर ये वकील भी मार खाएगा, देखना। मैम, इफ यू लीव हिम आउट ही विल बी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। और मैम, ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इसने जानवरों का इस्तेमाल करके लोगों को डराया है, धमकाया है। तो मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें किसी मेंटल असाइलम में भेजा जाए और वहां इनका अच्छे से इलाज किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या बोला? नो मेंटल। देश को बर्बाद तुम कर रहे हो और मुझे मेंटल कह रहे हो। मैं जानूंगा सबको। बंदे जी संभालिए अपने आप को। मारेंगे क्या? हाँ मारूंगा। साइलेंस। किसी को नहीं छोड़ूंगा। साइलेंस आई से। मुलजिम बंदेव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अदालत डिसीजन लेने से पहले उसे 2 महीने इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखती है। hey, अपनी बात करने तक। साइलेंस। क्यों रहो साइलेंट? 2 महीने के इलाज के बाद मुल्जिम को 1 महीने जेल में रखा जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। टेक हिम अवे। तुम भी क्या हो क्या? कितने पैसे लिए? बोलो कितने पैसे लिए? हाँ बोलो। बोलो पड़े तुम लोग तो। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन कभी ले जाने नहीं दूंगा। वो मेरा जंगल है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा जंगल है। मिनिस्टर को फोन लगाओ। जंगल काट रहे, दीवार बना रहे। They're all thieves, scoundrels, killing our elephants. जंगल काटोगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? छोड़ो मुझे। कान खोल कर सुन लो। 50 साल से मैं उस जंगल की देखभाल कर रहा हूँ। लाख कोशिश कर लो, मैं वहां टाउनशिप बनने नहीं दूंगा। बंदेव का पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने जज के साथ बदतमीजी की, इसलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए पागलखाने ले जा रहे हैं। पागल कौन? जानते हो, इस गांव के चारों तरफ इस जंगल में बंदेव के पिताजी दादाजी के पास 10-12 पहाड़ थे। उन पहाड़ों में मिर्च, जीरा, शाही जीरा, इलायची की फसलों से करोड़ों कमाए। उनके पिताजी की मौत के बाद उनके भाई बहन कमाने के लिए लंदन अमेरिका चले गए। सिर्फ इस आदमी ने इस मिट्टी के लिए, इन पेड़ों के लिए, इन जानवरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। और ऐसे देवता आदमी को आप पागल बोल रहे हो? तुम कुछ भी कर लो, कोई नहीं सुनेगा। वकील साहब, आप इंसान नहीं है। चले चलिए। क्या है ये? सॉरी सर, विदाउट माय नॉलेज ही वो प्रिंट हो गया। अबे अकल के दुश्मन। सॉरी सर, इवनिंग एडिशन में 100% करेक्ट कर दूंगा। अबे उजड़े चमन, शाम तक वो लड़की नौकरी में नहीं रहनी चाहिए। हाय। हाय बेटा, यू नो जब तुमने कहा कि मैं जर्नलिस्ट ही बनूंगी तो आई वाज अ बिट वरीड, बहुत डर गया मैं। लेकिन अब I'm really proud of you. पर बेटा, तुम्हारे एडिटर ने क्या कहा? कुछ नहीं, मेरे एडिटर को मेरा सच लिखना पसंद नहीं आया।
और आपने हमेशा मुझे सच की राह पे चलना सिखाया जो मैं छोड़ नहीं सकती. सो आई क्विट माई जॉब. मैं कॉफी लाती हूँ. सोशल मीडिया पे खुद का चैनल खोला है, द वॉल ब्रेकर. हाउ इज द टाइटल? आपके पास मुलाकात के लिए सिर्फ 10 मिनट है, बात करके बाहर आ जाइए. कैसे हो? देखिए DRL वाले जो हैं, उन्होंने कोर्ट का अपमान किया है. हम हाई कोर्ट जाएंगे. आप सिर्फ एक साइन कीजिए. बंदेव सिर्फ एक साइन, बाकी सब मैं देख लूंगी. प्लीज कर. स्टे ऑर्डर ले आया, उसे फाड़ दिया. क्या कर रहे हो? कोर्ट का अपमान किया. स्टॉप. क्या कर रहे हो? इन सब मांग का. बंदेव स्टॉप. मुझे पागल साइन कर रहे हैं. जेल में सब के सब बुझ चुके हैं. इंसानियत खत्म हो चुकी है. किसी को नहीं छोड़ूंगा. ठीक है, लेट्स गो. आज शाम की इवेंट कितने बजे की? 4:30 बजे. मैं इसे अकेले में बात करना चाहता हूँ. आप जाइए. ओके सर. सर, सर आपकी सेफ्टी का सवाल. मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा. जख्मी शेर बहुत तड़प रहा है. 50 साल तक जंगल को बहुत आबाद किया, अब आराम करो. दिन में 3 बार गीली भात मिलेगी, चाट चाट के खा लेना. और फिर रात को सपने में बंदर बोलेगा और मोर नाचेगा. इसी तस्वीर को बार बार रिवाइंड करके देख लेना, अपने आप मर जाओगे. और इस बीच में ये कचरा तुम्हारा जंगल संभालेगा. सर, अरे ओके. कांस्टेबल, पानी लेकर आओ. एलेक्स, यस सर. चेक फॉर द डॉक्टर प्लीज, इमीडिएटली. ओके सर. सर, कम वाटर सर, प्लीज. क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये लोग? शेर की चीखें सुनाई देनी चाहिए मुझे. स्ट्रॉन्ग डोज. सर. हे हे, कौन तुम लोग? हे हे, कौन हो? बस थोड़ी देर और बंदे, सब ठीक हो जाएगा. छोड़ो मुझे. हे हे, कौन हो तुम लोग? हे कौन? छोटू कहाँ गया?
छोटू। ए भांजे, जिसको तू भगा कर ले जाने की बात करता है ना, ओ दे छोटू भगा कर ले जा रहा है उसको। चल आ। संझा सिंदूरी है वो, चंदा चकोरी है वो, बचपन के तकिए पे करवट बदलती सी अम्मा की लोरी है वो। छोटू चेता तो मुझे ऐसे ही बोल देती, मैं ऐसे ही दे देता। ऐसे ही दे दोगे तो भीख मांग कर खाना पड़ेगा। अब देखो ऐसे तुम अच्छी हो, बुरी हो, प्यारी हो, न्यारी हो, जैसी भी हो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में चुंबक की तरह चिपक गई हो। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना, मैं पागल हो जाऊंगा। बोलो ना मामा। एक बार बोल दीजिए ना कि आपको ही पसंद है। क्या बोल रही है? अरे भांजे अपनी भाषा में तुमको आई लव यू बोल रही है। मैं क्या बोलूं? अरे कुकु कुकु बोल कर तुम भी आई लव यू बोल दो। कहा मरियल मुर्गे की तरह भांग दे रहा है, जरा जूस में जूस। अरे तुम आई लव यू बोलो ना तो लोग दिवाली मना रहे हैं। अरे निकले यहां से। छोटू को बचाने के लिए अपने साथ लाई थी, हमारा काम हो गया, तुम्हारा कोई काम नहीं। निकलो। चलो चलो जल्दी चलो ये भाई लोग चलो। अरे क्या है ये सब? कहाँ जा रहे सब लोग? ये सब मतलब इधर सर पे बंदूक रख के धमका रहे हैं, हम सब लोग काम छोड़ के जा रहे हैं। कैसे काम छोड़ के जा रहे हो? कितना मिलता है तुमको? 1000 रुपया मिलता है बस। 3000 देंगे ना? अरे क्या कुछ भी सर, क्या कर रहे हो? ठीक तो कर रहे हो, दे देते हैं सर, हमने वर्कर लोग काम पे नहीं आएंगे, करने दो उसे। चलो करने दो उसे। ठीक है सर। चढ़ने को बोलता है, कभी उतरने को क्या है ये? अरे जॉन दिन का 3000 देने के लिए तैयार है ये लोग। जान का क्या है, जान आज है कल नहीं है, पैसा रोज का है ना भाई। तू जा उतार उतार चल उतार उतार। सर 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 अब क्या? ट्रेन का ना वायर टूट गया सर। क्या यार तुम, अब ये क्या? आतंकवादियों के डर से क्रेन रिपेयरिंग वाला आदमी आएगा नहीं, अब ये ठीक नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मर देखो यार। 13 तारीख तक अगर इस बीम का काम नहीं हुआ ना तो इनॉग्रेशन पोस्टपोन करना पड़ेगा। अरे क्या मुसीबत है यार, मिनिस्टर को क्या जवाब दूंगा? 4 दिन में फंक्शन है, कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा मुझे। सब वो बीम का प्रॉब्लम है ना। हाँ तो हमारा छोटू करेगा ना सब? अरे छोटू कैसे करेगा? हमारा, हाँ हमारा छोटू उठाएगा ना? उठा लेगा, ऐसे 10 उठा सकता है साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे छोटू छोटा बच्चा, हम से उठाएगा मामा, उठाएगा उठाएगा। शंकर देख देख प्यार में हुआ पगला, पहले था अच्छा भला। दोस्त था बाद में यही फसाएगा। पहले था अच्छा भला और ये कैसा रोग लगा, सीधा था तिरछा हुआ। उसने दिल लुटा बैठा, जिसने मुड़ के ना देखा। उस पे दिल लुटा बैठा, जिसने मुड़ के ना देखा। थर्ड पिलर को छोटू के थ्रू भेजो शंकर। अरे हो जाएगा सब। देख 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 प्यार में हुआ पगला, पहले था अच्छा भला। अरे ये कैसा रोग लगा, सीधा था तिरछा हुआ। प्यार में हुआ पगला, पहले था अच्छा भला। अरे ये कैसा रोग लगा, सीधा था तिरछा हुआ। उस पे दिल लुटा बैठा, जिसने मुड़ के ना देखा। उस पे दिल लुटा बैठा, जिसने मुड़ के ना देखा।
प्यार तो होता ही है आता बहरा, अब ये बेचारा तो काम से गया, प्यार तो होता ही है अंद बहरा अंद बहरा। वो इसलिए बेटा, जंगल में जब कोई हाथी घायल होता था ना, तो उसका साथी हाथी दादाजी के घर के आगे आकर चिंगारता था, और जैसे ही दादाजी बाहर आते वो हाथी उन्हें घायल हाथी के पास ले जाता था, फिर दादाजी हाथी का इलाज कर देते थे। तो क्या सारे हाथी दादाजी के दोस्त थे? हाँ बेटा, तुम भी उनके दोस्त बनकर उनका ख्याल रखोगे ना? हाँ हाँ, मैं भी पक्का ख्याल रखूंगा। प्रॉमिस बेटा। प्रॉमिस पापा। शुक्रिया शुक्रिया। जंगल के बीच में जो ये 7 किलोमीटर की दीवार खड़ी करी है आपने, उसके लिए DRL आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। बस याद रखिएगा, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। सर वो कुंकी शंकर को देना है। एक बात और, क्या नाम बताए? कुंकी शंकर। हाँ कुंकी शंकर, और शंकर, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से इनको सम्मानित करूँ। सर अब आप मिठाई बांट दीजिए, मजदूर खुश हो जाएंगे। वो तुम खुद ही हैंडल कर लेना आफ्टर को। चल जी सर। बहन जी सब खत्म हो गया, चले। सब कुछ हाथों से फिसलता जा रहा है। ये 7 किलोमीटर वाली लंबी मजबूत दीवार खड़ी की है मैंने। तुम्हें काम करो, रोज सुबह यहाँ आया करो और इस दीवार को पकड़ पकड़ के चला करो, बहुत अच्छी ताकत मिल जाएगी। लंगड़ा शरीर, रगड़ रगड़ के मरो। निकालो गाड़ी, एक तिनका भी नहीं लगाने देगा। देखना इस एरिया में एक तिनका भी नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा सर। कौन रहे लंगड़ा शेर? हेलो, लो भांजे ये पैसे का हिसाब हो गया, ये बाचोर पे साइन कर दो। देखो बाबू, हम समझ रहे हैं कि तुम उस लड़की की खातिर यहाँ पर थे, अब तो दीवार का काम भी पूरा हो गया और लड़की गुल है। हमको नहीं लगता है कि वो लड़की के दिल में तुम हो। ए भांजी, हमारा बात मानो, यहाँ से चलते हैं। अरे तुम चुप नहीं रह सकते क्या मामा? अरे हम अपने लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, ये छोटू पिछले 3 महीने से हल की तरह जुता हुआ है,
इतना मेहनत कर रहा है, इतना तकलीफ झेल रहा है, और ऊपर से इसका दवा चूर्ण भी बंद है। तो तुम्हें लाना चाहिए था ना। कहाँ से लाना चाहिए, कहाँ से लाएंगे? यहाँ जंगल में लाके पटक दिया, यहाँ दवा मिलेगा? ए बाबू, देखो छोटू है ना, तो हम लोग का गुजारा है। छोटू चल बेटा, 3 महीना तुम्हारा खाना पीना करके ना एकदम सुपर फिट कर देंगे तुमको। ए भांजे, अगला 3 महीने छोटू को बिल्कुल रेस्ट देंगे, कोनो बुकिंग मत लेना। ए छोटू, अब से कंप्लीट आराम, आजा आजा। मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? बेल्ट वाले को बोलो ना। हे छोटू, 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 हे, छोटू, छोटू, क्या हुआ छोटू? क्या हुआ छोटू? हेलो, खड़ा हो, खड़ा हो, छोटू, खड़ा हो, बच्चे, हे राजा, छोटू, क्या है ये? सर सर, पिलर लोड कर रहे थे, इसके ऊपर गिर गया सर। अबे सो रहे थे क्या, देखते नहीं तुम लोग? क्या किया सर? ऑटो को फोन लगाया? नंबर नहीं लगा सर उसका, अभी लगा। हां करता हूं सर। ए साहब, खून बहुत बह रहा है, बचेगा नहीं, करते हैं अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अस्पताल कैसे ले जाएं इसे? लॉरी से ले जाएंगे सर। अच्छा, ओए ट्रक सीधा करो। ए लॉरी, ए ए किधर? चलो आगे आओ, चलो हाथ उठाओ इसका। चल भागो जल्दी जल्दी जल्दी। आगे लेके आ, घबराने दे, चल आगे ला। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? देखिए ना, टायर फंस गया है। ओह गॉड, जी सर। देखो दीवार के पास यहाँ एक सीमेंट क्रशर फंस गया है, जल्द से जल्द क्रेन भेजो। कहाँ? मेन गेट पे सर। हाँ सर, अभी पहुंचता हूँ सर, आता हूँ सर। रोक 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 रोक, जल्दी कीजिए, वी आर गेटिंग लेट। सर क्रेन आ रही है। हाँ हेलो, क्रेन घुमाओ, मेन गेट पे लेके चलो। क्रेन के लेके जा रहे हो सर? मामा बस निकल रहे हैं सर, 2 मिनट में पहुंच ही रहे हैं सर। सब क्रेन जल्दी लेके सब सब क्रेन सब सब छुड़ू मर जाएगा सब। अरे डॉक्टर आ रहा है, कुछ नहीं होगा सब सब। जो जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए अपने परिवार के साथ। मार दिया तुमने उसको, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है हम भीख मांग कर जी लेंगे। हाथ हटा, हाथ हटा। छोटू छोटू, मामा मामा झूठ बोल रहे ना तुम? कुछ नहीं होगा छोटू, कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ छोटू, हट। छोटू हाँ
आपके जेल जाने के बाद पिछले 3 महीनों से हाथियों का आना जाना दिखाई नहीं दिया। सब उत्तर की तरफ गया होगा। क्यों? किस किस समय कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या मिलेगा सब पता है उन्हें, लेकिन इंसानों को कुछ नहीं पता है। ये उनके संभोग का समय है, कभी भी आ सकते हैं। जो नहीं होना था वही हो गया। आप क्या बोल रहे हो? गांव में हाथी घुस आए हो तो हम चुप बैठे? वो यहाँ क्यों घुसे? सोचो कभी उनके रास्ते में जो दीवार खड़ी कर दी है तो वो कहाँ जाएंगे? परेशान होकर वो इधर आ गए। देखो वो ऐसे ही आते रहेंगे, खेतों में जाएंगे, खाना खाएंगे, हमारा पानी पियेंगे। तुम लोग जैसे खेती बाड़ी नहीं कर पाओगे और उनके बाल बच्चों को बचाने के लिए हम पर और हमारे बच्चों पे हमला करते ही रहेंगे। तो अब हम क्या करें? सुनो,
हमारी तरह उनका भी अपना परिवार है, रिश्ते हैं, जज्बात, कुछ तो समझो। हमारे बाप दादाओं के जमाने से जो रिश्ता बना है हाथियों के साथ, उसे बिगाड़ने के लिए जो दीवार खड़ी की है, उसे तोड़ना होगा और उन्हें रास्ता दिलाना होगा। अगर दीवार तोड़ देंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, आप समझ क्यों नहीं रहे बंदेव जी? अगर हम नहीं लड़े और डरते रहे पुलिस और कानून से, तो ये आखिर तक ऐसे ही आते रहेंगे और तुम लोगों को ये जगह खाली करके निकलना होगा। अगर यहाँ से निकले तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। सोच क्या रहे हो तुम लोग? अगर ये सब नहीं चाहते तो तोड़ दो ये दीवार, नहीं तो हाथियों के साथ जिंदगी भर दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। मानो मेरी बात, आओ इन्हें यहां से निकलने के लिए बोलते हैं। बाहर जाओ, बाहर जाओ, इस जंगल से बाहर जाओ। जीने दो हाथियों को, जीने दो, जीने दो हाथियों को, जीने दो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, इस जंगल से बाहर जाओ। जीने दो, जीने दो हाथियों को, जीने दो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, इस जंगल से बाहर जाओ। और देखे जरा इसमें कितना है वन। जीने दो, जीने दो हाथियों को, जीने दो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, इस जंगल से बाहर जाओ। जीने दो, जीने दो हाथियों को, जीने दो। आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और जो कुछ भी कह रहे हैं कोर्ट में जाकर कहो। जीने दो हाथियों को, जीने दो। पुलिस अगर अपने पे आ गई, बस इतना समझ लेना तो आप लोगों के लिए अच्छा। मारना। क्या? मार, चल मारना, मारना, मार। किस पर हाथ उठा? अरे रुको, किस पर हाथ उठा? अरे सुन मेरी बात, हमेशा खुश रहे। किसका? संजीव, मिनिस्टर पीए। हेलो, हाँ सर, आई विल कॉल यू बैक। हाँ ठीक साहब। हाँ, एक दीवार की वजह से इतना कुछ हो जाएगा, मैं नहीं जानता था। सब गांव वालों का भी जीना हराम हो गया। सब अनाथ की तरह खड़े आते हमारे छोटू की याद दिला रहे। देखिए ना, बंदे भी शादी के चले गए साहब। तो दीवार तोड़ देते साहब। ए बारिगल, दीवार तोड़ देते हैं साहब, दीवार तोड़ देते साहब। ए साहब, इसका हिसाब किया? हिसाब तो कल ही कर दिया था सर। तो ये यहाँ क्या कर रहा है
बाहर निकालो इसको। साहब सुनो ना, तो चलना मेरे साथ। अरे मुझे गलत फहमी हो गई थी। एक मिनट साहब, शंकर देख, ये सब मेरे पास का नहीं है। ये गलत हो रहा है। नहीं कुछ नहीं, अरे वो गलत सही सोचना तेरा काम नहीं है, वो बड़े लोगों का काम है। सब छोटे छोटे बच्चे रो रहे, तेरे पास का नहीं है। हाथी मर जाएंगे सब, सब दीवार तोड़ देते ना सब। हां तू चल, सब चलो ना सब। बात बात में मुझे दोस्त कहते थे ना सब। हां चलो, दोस्त के साथ दीवार तोड़ते हैं। ए चलो दोस्त, और तू हट। कॉर्पोरेट में ऐसे ही होता है। एफओ साहब इसको ले जाओ। हाँ, मैं कुछ खाना वाना खिलाऊं। मेरी बात सुन। चलो देख, मेरी बात सुन। सवा हाथ पहाड़ पे चला जा, वहाँ छोटू के अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम कर रखा है। यहाँ रोने से बेहतर है वहाँ चला जा। देख शंकर, जो होना था वो हो गया, तू खाना वाना खा लेना, ठीक है? ₹10 लाख का भाव चल रहा है, उससे कम मैं नहीं लूंगा। नहीं नहीं, पहले भी तुमने ऐसे। ए शंकर, 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 सर शंकर, ओए जल्दी आओ इसे। ए ए तुम लोग अंदर रुक जाओ, ए जल्दी आओ, रुक इसे। सर सर सर, शंकर वहां पे क्या कर रहा है ये? नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। अरे पकड़ उसको, पकड़ो, नीचे ला लाओ। ए भाई क्या प्रॉब्लम है? गोली मारो उसे। भाग गया, भाग गया। क्या सर, आप भी उसको मारने के बदले चिड़िया को मार रहे हो? हमारी मुसीबतें कम करने के बजाय आप तो बढ़ाते जा रहे हो। आजा। एक तो गांव वाले पहले से ही नाराज है, ऊपर से अब ये भी। मिनिस्टर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया। अरे क्या छोड़ दिया, अभी अभी मिनिस्टर साहब आके चार अच्छी बातें बोलकर गए थे। सब बिल पास हो गए थे, सबको पैसे मिलने वाले थे, सब बर्बाद कर दिया आपने। और ये जो पुलिस वाला जोश आप दिखा रहे हो गांव वालों पे, मीडिया सब देख रही है, कपड़े फाड़ देगी, समझे? कैसे फाड़ेगी? माओ शंकर और उसके साथियों ने, उन्होंने मिलकर पुलिस पे हाथ उठा के एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर को मारकर गांव में छुप गए। उन्हें पकड़ने के लिए एसपी अर्जुन पांडे गांव की तरफ निकल चुके। अरे ऐसे कैसे लिख देगी? और क्या माओ इस महावत है वो, और कौन सा इंस्पेक्टर, कौन सा सब इंस्पेक्टर, किसको मारा? कहाँ था मैं? ए, सर आप कह रहे थे कि एसपी अर्जुन पांडे गांव की तरफ निकल पड़े और आतंकवादियों को उनको पकड़कर जो प्यार कहानी है तो उसको फॉलो करना है। एक कहानी खत्म करके दूसरी कहानी फॉलो करने के लिए कह रहा, कमाल का आदमी है, कमाल की एंट्री है। अरे क्या था कमाल की एंट्री? अपने ही डिपार्टमेंट की बंदूक से अपने ही लोगों को मार दिया, कल ही पकड़ा जाएगा इस संघ की आदमी। ए स्टूपिड बगर। जी जी सर। इट्स नॉट माय गन। ग्रेट सर। एसपी अर्जुन पांडे तलाशी लेते वक्त घर घर में। कहानी खत्म। हेलो सर। एसपी, सभी घरों में हथियार है, क्या करोगे आप? तलाशी लो, जाओ फोटो लो। साबी क्या कर रहे हैं आप? आपके लोगों ने लाके रखा है, अभी पुलिस को कुछ काम नहीं है। बाबा, मेरे पति को क्यों मार रहे हैं? आप ही के लोगों ने तो किया है। सामान लड़ा दो। बाबा, क्यों पहनना है सर? पूछ मत, चुपचाप पहनो। अरे यही तो काम करते हो ना तुम लोग।
साहब, मैं काम करता हूँ साहब, मैं तो सूखी लकड़ियाँ बेचता हूँ साहब, कपड़े हम क्यों पहने साहब? ए ए, पहन रे, चलो, ए, तेरे को अलग से बोलना है, पहन। पहन लिया, आ जाओ। कहाँ लेके जाओगे साहब? मुझे मत मारो साहब। नहीं, ये क्या कर रहे हो साहब? नहीं साहब, नहीं साहब। ए भागते किधर हो? गांव में जो भी घायल हुए सबको लेकर आ गए ना? हाँ सर, सबको लेकर आ गए। कॉमरेड, वो कॉटन दे रहे, जल्दी जल्दी करो। एक मिनट, ये स्प्रे ले, थोड़ा सा और। क्योंकि एसपी को मार के भागते हुए इसे देखा है हमारे लोगों ने। खुद को बचाने के लिए मारा होगा, इसे मार दो भैया। नहीं, उन लोगों की वजह से इसका हाथी मर गया, और अगर अब हम इसे नहीं बचाएंगे तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसकी वजह से हम सब पर बड़ी मुसीबत आने वाली है, तुम याद रखना। जब आएगी तब देख लेंगे। जाओ, चलो तुम जाओ, जो करना है करो। गांव के आधे लोग तो जंगल में भाग गए। गुड, तो बाकी लोगों के लिए गांव किस काम का? से आपको ढूंढ रहा हूं बंदे। वो मंत्री एक एक करके सारे मोहरे रास्ते से हटा रहा है, उसका अगला निशाना आप हैं। बेहतर होगा खुद को कहीं छुपा लें। पागल हो गया क्या? ये बेशरम लोग सर उठा कर जिए और जो मैं इस मिट्टी से जुड़ा हूं जाके छुप जाऊं? इस जंगल के आखिरी हाथी को बचाने तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी और तब तक मेरी चीता नहीं चलेगी। कहां जा रहे हो तुम लोग? पता नहीं क्यों डर गए? तो इनका क्या करे? यहाँ इंसान मर रहे हैं और आप हाथियों के बारे में सोच रहे हैं? खुद बचेंगे तो इनको बचाएंगे ना। आप भी निकलिए यहाँ से, कहीं भी जाकर जी लेंगे। चलो। ए, हरिया, हरिया रुको।
जाओ जाओ, हाथियों की वजह से ही ये जंगल है, समझे? जंगल की वजह से ही बारिश होती है, उस बारिश से ही अनाज पेट भर गया ना। एहसान फरामोश, जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि सच कोई नहीं है? पूर्वा, वो लोग गए तो क्या, मैं हूं ना। मैं अपनी जान देकर भी तुम लोगों को बचाऊंगा, मैं अपनी जान देकर भी तुम लोगों को बचाऊंगा। हाँ, आओ पानी पियो, पियो पानी पियो। कैसे भी करके तुम सबको बचाऊंगा, कैसे भी बचाऊंगा, बचाऊंगा। कैसे जीते थे तुम लोग? मैं उड़ा छोड़ूंगा नहीं। सर, वो बंदे और हाथियों के साथ देखा गया है। हाथियों के दांतों पर नजर रखना। बिल्कुल सर, एक भी हाथी दांत नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। पेड़ काटते काटते बोर हो गए, अब हाथी दांत काटेंगे। इससे पहले कि हमारा नंबर आए, हमें कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। एक बार सेटलमेंट हो जाए ना, तो मैं भी निकल जाऊंगा। अपने पास कितने इन्फॉर्मर है, बता सकता है? जासूसी करने वाले 3 हैं, अनऑफिशियल और भी हैं। सबको बुलाओ। ओके सर। जाए तो जाए कहाँ? इस दीवार की पूरी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर की है। हर 300 मीटर पे एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। उसके अलावा 5 पेट्रोलिंग जीप हैं, जो हर 10 मिनट में एक राउंड लगाती हैं। इन्हें पार करके ही हमें आगे पहुंचना होगा। कॉमरेड, एक जीप की आंख में हम धूल झोंक सकते हैं, दूसरे में पकड़े जाएंगे। और उसमें भी हम लोग बच गए तो हर 1000 मीटर में एक वॉच टावर है, जो टोटल 6 हैं। एक स्पॉटलाइट जो रात भर घूमती रहती है, फिर कैसे जाएंगे? दीवार पे हाई वोल्टेज फेंसिंग की गई है, जो पूरे टाउनशिप में फैली हुई। दीवार के पास जो CRPF है, उन सब लोगों के पास AK-56 है, और हमारे पास सिंगल बैरल। उसके अलावा हर 200 मीटर पे CCTV कैमरा लगे हुए हैं। अगर हथगोला दीवार पर फेंक दें तो? दीवार पूरी कॉन्क्रीट से बनी है, जो 2 फीट मोटी है। हथगोला से दरार तक नहीं आएगी। तो हमें दीवार की नींव तक पहुँचना होगा। यहाँ हम दीवार तक नहीं पहुँच सकते, और तुम नींव तक पहुँचने की बात कर रहे हो? सुरंग बना के पहुँच सकते हैं नींव तक। एक मिनट, क्या बोला? ये 8 फीट की नींव बनाई है, और इसके नीचे तकरीबन 12 फुट गीली मिट्टी, फिर चट्टान। मैंने 7 में दीवार बनाई थी, जानता हूँ मैं। सात किलोमीटर लंबी दीवार है, यही पे तोड़ना जरूरी है क्या? कहीं और भी तो तोड़ सकते हैं। मेन गेट है, यहाँ बहुत पुलिस तैनात है। कहीं से भी रास्ता तोड़ेंगे तो हाथी वहां से नहीं जाएंगे। ये रास्ता हाथियों का रास्ता है, सदियों से उनके पूर्वज इसी रास्ते से आ जा रहे हैं। वो भी यही रास्ता इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तालाब है, जहाँ हाथियों का मेल मिलाप होता है। अगर ये रास्ता नहीं तोड़ा तो हाथियों की पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, और ये बात वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए इस रास्ते को रोक के सबसे ज्यादा पहरेदारी लगाई है सालों ने। अच्छा, लाइट मीटर से नाप। आधा किलोमीटर, मुश्किल है। 1000 किलोमीटर होगा तो भी करेंगे, हाथियों को बचाना ही है। चलो
अपने भाई पे नाराज हुई, मैंने सुना। माफ करना पर मैं गद्दार नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। नहीं नहीं, तुम गद्दार नहीं, तुम तो उससे भी बदतर हो। नहीं तो अपने साथ घूमने वाले बच्चे जैसे छोटू को मरने देते? छोटू के साथ जो कुछ भी हो वो अनजाने में हुआ, मुझे माफ कर देना। माफी और तुम्हें कभी नहीं। टनल के पास बहुत सारे हाथियों को देखा है। बंदेव? बंदेव उन हाथियों के साथ में फिर रहा था, छोटे बच्चे कह रहे थे। गौरी सर, सर आपको क्या लगता है, ऐसे कान में खुसुपुसर करने से आप बंदेव को पकड़ लोगे? समुद्री शाक है वो, कुछ ठीक से सोचना पड़ेगा। सोच कब की निकल गई। कॉन्ट्रैक्टर, किनारे बैठ के देखना कि समंदर की शार्क को मैं कैसे बाहर लाता हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जिम चुकुच। गरिमा, 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 किधर हो? लबर्ड की तरह कहाँ छुपे हो? बाहर निकल! इनको एक-एक करके मार रहे हो। हाँ रे, एक-एक करके सबको मारेंगे।
करीमा चली गई। हृदय में ये घूम जले प्राण ये राख से हो गए पाखियों से भवरों से पूछो फूलों पे थिरकती तितलियों से पूछो मैंने तो न की है ये खता है हवा तुमको दे बता शाखों से पूछो टहनियों से पूछो झूलती बहकती डालियों से पूछो मैंने हाँ? तो न की है क्यों मुके मर रहे हो करीमा मेरी भी लाड ली थी कसम से लो खालो पूछो जरा न बादलों से बिजलियों से भी पूछो जरा न कूकती सी कोयलों से भी हाँ बताएंगी ये जंगलों की खुशबुएं बेकसूर हूँ मैं मेरी कुछ खता नहीं पूछो ना सबसे संभाल के रखी थी तुम्हारी याद में
वो बाण तुमने छीन लिया, मुझे वापस दे दो। मैं कचरा नहीं रखती। अपने दिल से पूछो, यादों से पूछो, आंखों में चलकते आंसुओं से पूछो, मैंने तो न की है ये खता। ऐ हवा तुम उनको दे बता, सांसों से पूछो, धड़कनों से पूछो, इन लबों से निकले लफ्जों से पूछो, मैंने तो न की है ये खता। ऐ हवा तुम उनको दे बता, क्यों ना करती माफ तू मुझे जरा बता, क्या यही है मेरे इस नसीब में बता, पूछो ना खुद से पूछो ना खुद से। शंकर कहाँ तुम? अरवी, सेकंड टनल में बॉम्ब लगा दिया? हाँ लगा दिया। देखो
भैया अब हमें क्या करना होगा? अभी रुको। बुझा दिया। हेलो हेलो कंट्रोल रूम। यस सर। सेंड मी द डॉग स्क्वाड। DRL Township. Are you coming, Arvi? Arvi. हाँ भैया. Tunnel one failure. Tunnel two fire. Tunnel one failure? क्या? Tunnel two fire. हाँ ठीक है. Tunnel one failure. Tunnel two fire. टनल टू कहाँ है? मालिक ठीक हो? हाथी भी जंगल में पहुंच गए। अच्छा हुआ। हाथी
सर, ये तो वही लड़की है जिसके सर पे 1,00,000 रुपए का इनाम है। सर का बाद में सोचूंगा, पहले इसके साथ कुछ काम है। तुम लोग जाओ। ओके सर। सब जाओ, चलो। जी सर। आज फिर जीने की आ है, आज कुछ करने का सत्या, सेफ हो ना? हाँ सेफ हूँ। गणेश, कम इन, कम इन गणेश। कौन है? मैं ठीक हूँ। रीटा, रीटा। सेफ कॉमरेड। अरविंद, सेफ। सेफ कॉमरेड। सिल्वा, सिल्वा कम इन। बोलो कॉमरेड। अरवी, टनल में अरवी दिखाई नहीं दे रही है कॉमरेड। अरवी, 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 जाके अरवी को देखो। जी, तुम उस तरफ जाओ। अरवी, 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 अरवी कमें, और अरवी कमें, अरवी, 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 अरवी कमें, रीटा कॉलिंग लो, अरवी, अरवी कमें, उषा कॉलिंग, अरवी, अरवी कहाँ पे हो? उषा कॉलिंग, अरवी, 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 अरवी कमें, सुमन कॉलिंग, अरवी, अरवी, सुन रहे हो तुम? उषा कॉलिंग। मुझे बहुत पसंद है। तुम मुझ पे विश्वास करती हो ना अरवी? दीवार तोड़ोगे तो ही मुझे विश्वास होगा। मुझे मेरी जिंदगी मिल गई, अब ये दीवार टूट के रहेगी। अरवी, 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 मुंह खोलो बेटा। एक दिन मैं जंगल में गया था, वहां जो है बहुत बड़ा बाघ आया था। कितना बड़ा बाघ था? अरे बेटा, बहुत बड़ा बाघ था। कहाँ पे? बेटा सामने वाले जंगल में था। हेलो, हेलो, चिंता स्वामी, चिंता स्वामी। हाँ चिंता स्वामी बोल रहा हूँ। फौरन टीले पे पहुँचो। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आ रहा बेटा, ये लो, अब तुम अपनी बहन को खिलाओ। भैया बाबा कहाँ गए? कॉमरेड, पुलिस हमारी तरफ ही आ रही है, यहाँ रुकना सेफ नहीं है, चलिए चलते हैं। शंकर चलो उठो, चलो सब लोग निकलते हैं यहाँ से। कॉमरेड,
वीरा, भद्रा, कहाँ चले गए तुम सब? क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम सबके लिए तो मैं जी रहा हूं। वीरा! उत्तरी भारत के अरण्य विहार जंगलों के बीच बन रहा है ये 500 एकड़ का डीआरएल टाउनशिप। हमारे विशेष सूत्रों से पता चला है कि इस बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए देश के प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे और उनके अलावा जाने माने राजनेताओं और उद्योगपतियों को भी इनवाइट किया गया है। शुरू से ये प्रोजेक्ट काफी विवाद में रहा है। जंगल में रह रहे लोगों और जानवरों के हित में कई प्रोटेस्ट भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद रिजर्व पुलिस की कड़ी निगरानी में ये काम जोरों शोरों से हो रहा है। इंसानों से बचाने के लिए मेरे दादा ने उन हाथियों को मेरे पास छोड़कर गए थे। खो दिया मैंने। मैं उन्हें बचाऊंगा कहा था, नहीं बचा पाया। तो के पास हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब हाथियों और मेरे बीच दुश्मनी हो गई है। गरिमा की मौत वो कभी नहीं भूलेंगे, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हाथी इंसान नहीं है जो वफादारी भूल जाए। इंसानों ने उनकी जगह हड़प ली तो आपने आवाज उठाई, आप उनके लिए लड़े, आपने परवाह की, उनकी प्यास बुझाने के लिए आप तड़प रहे हैं, उनका उन्हें हक दिलाने के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। हमसे कई ज्यादा समझदार, केयरिंग, इमोशनल, सेंटिमेंटल है। एक बार वो हमें पसंद कर लेते हैं ना तो हमें कभी नहीं भूलते। वो आएंगे, आपको ढूंढते हुए जरूर आएंगे। देश को बर्बाद करके महलों में रहने वालों को सम्मान मिल रहा है, पूजा हो रही है उनकी। उनसे बचने के लिए हम लोग जंगलों में छुप छुपा के रहते हैं, वो हमें आतंकवादी कह रहे हैं। अन्याय इस दीवार की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ईमानदारी से जीने वाले लोग एक एक करके कम हो रहे हैं। हार रहे हम लोग। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग उनके गुलाम बन जाएंगे। अरे कॉमरेड, क्या कर रहे हो? हट जाएगा वो। क्या कर रहा है? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो इस दीवार को तोड़ दो। यही कहा था तुम्हारी बहन ने मुझसे। मुझे पूरा करने दो, ये उसका सपना है। मुझे पूरा करने दो आरव, प्लीज आरव। लाल सलाम। हेलो डैड, कहाँ हो आप? ऑफिस में। नमस्ते बंदेव, क्या हुआ बंदेव? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ। बताइए ना। हाँ। अरुणति मैडम, क्या हुआ? बंदेव बहुत गुस्से में है और धरना देने जा रहा है। हमें भी उसका साथ देना है। पीएम आज आने वाले हैं टाउनशिप इनॉग्रेट करने। अब अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो जंगल को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। हाँ, मैं बंदेव के साथ हाईवे जा रही हूँ, आप सभी पहुँचे। हेलो डैड, कैन यू प्लीज ब्रिंग माय लैपटॉप? यस बेटा। यस, वी आर अप्रोचिंग द हाईवे। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। या रास्ते से जाएंगे ना? अरे साहब, ऐसे बीच सड़क पर क्यों बैठे हैं? मुझे वाश पे से जाना होगा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। करीमा, मेरे को देर हो रही है साहब, मेरे को जाना है। आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मेरे को आने में देर हो रही है। गांव वाले आने लग गए, मैं प्रेस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। Come on.
प्रॉब्लम है तुम्हारा? एक घंटे में पीएम साहब यहाँ से गुजरने वाले हैं और धरना दे रहे हो यहाँ पर? उठो, निकलो यहाँ से। हेलो हेलो सर, बंदे अपने साथियों के साथ पीएम के रूट पर बैठकर धरना दे रहा है, क्या करें? तो तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे? हाँ, मैं आ रहा हूँ। बंदे सर पीएम के रास्ते में बैठ के धरना दे रहा है। गाड़ियां निकालो। बंदेव जी मेरी बात सुनो, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, प्लीज आप सब लोगों को लेकर निकलिए यहाँ से। पीएम सर के आने का वक्त हो गया है, आप सब लोग ये जगह खाली कर दीजिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं उठेंगे हम। अरे हरिया, उनसे क्या बात कर रहे हैं, उनको जाने को बोल। बंदेव जी मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, उठेंगे तो ये सारे लोग मानेंगे। पीएम के आने से पहले हमें इस ट्रैफिक को क्लियर करना है, ये हमारी नौकरी का सवाल है, बात को समझिए बंदेव जी। मैं आपको कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप है कि समझ ही नहीं रहे हैं बात को। आप हमें कितना भी समझाओ पर हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या समझा रहे हो इंसान? चलो अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बेरहमी से कोई मारता है किसी को? Please, he's my friend. No, you cannot. I have to help him. Arun!
सारी चर्बी निकालता हूँ। अभी अपना हक के लिए लड़ना आ गया है, अभी अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे। अब आओ हम देखते हैं, आओ आओ। बंदियों मानेगा तो हो सकता है सर। क्या मानेगा? मान गया सर। ए अंदर आधे घंटे में भी ये मारने वाला है। चलो जैसे निकलो। मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। इनके भी तो पीएम है, वो खुद देख लेंगे इनके साथ क्या जागती हो रही है। पीएम को मिलना है तो अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट मिलने तक ये नहीं रुकेंगे। तुम चाहते क्या हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दीवार तोड़कर इनकी जगह वापिस कर दो बस। ये दीवार ऐसे नहीं खड़ा किया, इधर रिफाइनरी प्लांट लगाया जा रहा है। 5-6 सौ लोगों को रोजगार मिलेगा, आसपास के गांव के लिए वरदान होगा, समझे ना? 4 लाख भलाई के लिए 4 पेड़ काट दिए तो इतना बड़ा इश्यू किया है। मेरे जाने से ये दीवार नहीं टूटेगी, ये खेल नहीं है। कौन खेल रहा है यहाँ? मैंने अकेले ने जो लाखों पेड़ लगाए हैं उसे काट के कुछ रईस ज़ादों की आयाशी के लिए मैदान बना रहे हो? कौन कर रहा है यहाँ? आप या मैं? हाँ? पागल सुनो, पागल सुनो। आ जा, 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 आ ज
चार लोग की भलाई के लिए पेट काटना ठीक है? एक पेड़ चार लोग को ऑक्सीजन देता है। सुन, ये पेड़ धरती के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। ऐसे ही इन्हें उखाड़ दिया तो धरती ऐसे ही तड़पेगी। सुन, हमेशा सिर्फ लेते मत रहो, उनको कभी कुछ दिया भी करो। देख कलेक्टर, तुम्हें सिर्फ 60 साल की नौकरी की परवाह है, मुझे 60 साल में आने वाली नस्ल की परवाह है। देश का डेवलपमेंट। साउथ कोरिया में लोग बिल्डिंगें गिरा के फिर से पेड़ उगा रहे हैं, इजरायली रेगिस्तान में खेती बाड़ी कर रहे हैं, और तुम लोग नदियों से सारी रेत निकाल कर जंगल से सारे पेड़ काट कर और यहाँ बिल्डिंगें खड़ी करते जा रहे हो, और इसको डेवलपमेंट कहते हो? एक छोटे बच्चे को घर की ड्राइंग बनाने को कहोगे तो उसके साथ एक पेड़ और कुछ चिड़ियों को जोड़ देता है, कोई नहीं सिखाता उसे। बच्चों से भी कम दिमाग है तुम लोगों में। कल हमारे बच्चों को ताजी हवा, शुद्ध पानी, पौष्टिक खाना और अच्छा वातावरण नहीं दे सके तो कैसा डेवलपमेंट? तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी तरह देश बोना रहे? गवर्नमेंट क्या करे? कुछ मत करो, और अगर फिर भी कुछ करना है तो बच्चों की किताब से मेंढक और चूहों को काटने का पाठ हटाओ, और जंगल का महत्व, जानवरों की जरूरत और मिट्टी का इतिहास सिखाओ। ठीक है सर। बच्चों को ये मत सिखाओ कि सम्राट अशोक ने पेड़ लगाए हैं, उन्हें सिखाओ कि जो पेड़ लगाए हैं उन्हें उखाड़ने से बचाओ। सिखाऊंगा सर। बंदेव जी, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, बिना पानी के लोग परेशान है, प्लीज सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ समझने की कोशिश कीजिए। तुम क्या सोच रहे हो, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ? मैं सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। एक घंटा भी नहीं हुआ और पानी के बगैर जान जा रही है। देखो उनको, 100 साल से जहाँ पानी पी रहे थे वहाँ दीवार खड़ी कर दी। कैसे लग रहा होगा इनको, कम से कम 100 लीटर पानी की जरूरत होती है इन्हें हर रोज। पिछले 2 महीने से इन्हें एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुई है। अगर इसके बाद भी तुम लोगों को लगता है कि ये हाथियों की समस्या है हमारी नहीं, तो बाढ़ में जाओ, कभी नहीं सुधरेंगे। अंकल एलिफेंट को खिला दो। इधर आओ। नहीं, कुछ नहीं होगा, इधर आओ। ये लो दोस्त। अवंतिका जाओ बेटा। So cute. जंगल और उसमें बस रहे हाथियों के अधिकार के लिए लड़ रहे बंदेव अब अकेले नहीं हैं। उनकी इस लड़ाई ने लोगों के दिल में घर कर लिया है। बंदेव के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी इस मुहिम को सोशल मीडिया पर भी काफी समर्थन मिल रहा है। इन प्रोटेस्ट के चलते ये भी कहा जा रहा है कि शायद DRL टाउनशिप की इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री ना आए। क्या बंदेव की ये लड़ाई हाथियों को उनका हक दिला पाएगी? प्राइम मिनिस्टर ने दीवार तोड़ने की परमिशन दे दी है। प्रोग्राम इज कैंसल्ड। चले सर। Yeah!
कौन सा गेट? अरे कहाँ हो तुम लोग? पत्थर क्यों देख रहे हैं? सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ घर के बाहर कमांडो फोर्स चाहिए, जल्दी भेजो। क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे वो लोग? सर आपको मिनिस्ट्री से हटा दिया गया है। I'm very sorry, sir. आप कुछ करते क्यों नहीं? I'm trying, दादाजी, लोग हमारे घर पर पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, वो लोक सेवा में अक्सर ऐसा होता रहता है। ये लोक सेवा क्या होती है? वो लोगों की भलाई के लिए जब हम कुछ करते हैं ना, उसे लोक सेवा कहते हैं। फिर ये बताइए, ये लोग हमारे घर पे पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? क्या आपने किसी की भलाई नहीं करी? बोलो दादाजी। हाँ,